पक्षियों का कलरव आसपास की बाकी आवाजों को शांत कर देता है। अगर दिल की आवाज में पक्षियों के कलरव से बात आ जाए तो बाकी आवाजों को दूर होते देर नहीं लगेगी। जब पक्षियों का कलरव होता है तो उसकी जो ध्वनि होती है इतनी मधुर होती है, यदि आपने सुबह पहले देखा हो या शाम को जब सूर्यास्त होता है, पक्षी लौटकर अपने घरों पर आते हैं, अपने पेड़ों पर आके बैठते हैं और उसके बाद में जिस तरीके से चिड़िया की चहचहाहट इतनी मधुर लगती है मानो कोई संगीत के तार खुद ब खुद बज उठे हों। इसी तरीके से हम अपने जीवन के अंदर भी यदि इन पक्षियों के कलरव की सी आवाज़ को महसूस करने लगें, और हर इंसान के दिल के अंदर इस तरीके की आवाज़ होती है, पक्षियों का सा कलरव होता है, उसके अंदर सुख दुख के साथ साथ जीवन के प्रत्येक अच्छे और बुरे पहलू का ज्ञान होता है, सिर्फ इस आवाज़ को सुनने की होती है। इसीलिए कहा जाता है जब भी हम अच्छा काम कर रहे हैं हमारा मन हमें रोकता है, यानी अंदर से आवाज़ आती है, वो भी उसी तरीके का पशुओं का कलरव है। यदि हम गलत कर रहे हैं तो भी आवाज़ आती है, अच्छा कर रहे हैं तो भी आवाज़ आती है। जब हम अच्छा कर रहे हैं नीति युक्त नीति संगत कर रहे होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, और उससे मन कितना खुश होता है। आर्टिस्ट शालिनी अग्रवाल ने कुछ इसी तरीके से पक्षियों के कलरव को साथ में लेकर इंसान की जिंदगी को जोड़ने की कोशिश की है। इसलिए क्रिपिंग ऑफ द बर्ड्स मेक ऑल द नियर बाय साउंड साउंड लेस एंड इफ द हार्ट साउंड गेट द क्वालिटी ऑफ बर्ड्स क्रिपिंग द ट्रिफल्स यूजलेस साउंड विल बी वेनिस्ड विद इन नो टाइम।